राम राम दोस्तों, तो सुबह सुबह देखिए कितना ज़्यादा फूल तुल के लेके आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इधर से आज मेरे बगीचे में नया नया फूल खिला है, तो इस सीजन में ये पहली बार खिला है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर आज मेरे पूजा के घर में दो न्यू फैमिली मेम्बर मतलब बैठा दी हूँ, उस दिन मेले में जाके खरीद के लेके आई थी, तो बहुत दिन हो गए लेकिन नहीं बैठाई थी, आज बैठा दी हूँ। और इधर से देखिए, ये जो मेरे मतलब भगवान जी के किताब वगैरह है, यहाँ पे गीता है, हनुमान चालीसा और बहुत सारे भगवान की किताबें, तो जो पहले मैं यहाँ पे रखती थी, तो अभी मैं इसे हटा के वहाँ पे रख दी हूँ। और इधर फाइनली मेरा पूजा करना हो गया है, देखिए आप लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल जी एस सरकार ब्लॉग, मैं गीता आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ दिल से। और आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ भगवान जी की आशीर्वाद से। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए जा रही हूँ मंदिर में। तो जाने के लिए मैं और पतिदेव निकल चुके हैं घर से रेडी होके। तो ये वाला साड़ी जो है कल मेरे पतिदेव खरीद के दिए थे मुझे, तो देखिए मैं यही पहन के निकल गई हूँ। और इसके साथ मैचिंग ब्लाउज मेरा घर में था पहले, बहुत दिनों की पुरानी साड़ी की, मतलब कपड़ा नया ही है, पहनती नहीं हूँ ना, इसीलिए सिला के बक्सा में था इसीलिए, लेकिन बहुत दिन पहले खरीदी थी ना इसलिए पुरानी खरीदी। तो इधर से हम लोग आ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो पक्का रास्ता खत्म हो गया है अभी, मतलब इधर से जा रही हूँ सड़क से, कच्चा सड़क से जा रही हूँ। यहाँ से एक दोस्त जाने वाले हैं उनके, तो उनके घर में आई हूँ, तो उनके दोस्त के लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग रेडी होके आ चुके हैं। तो बाहर में ही खड़ा हुई हूँ क्योंकि जाना है, बैठने उठने का मन नहीं है इसीलिए। तो फिर वो लोग भी निकल गए हैं, तो इधर से हम लोग भी निकल गए हैं। लेकिन सोचा था कि बाइक में जाऊंगी, फिर हम लोग हमारे जी मैम हमारे नहीं सॉरी मेरी जीजाजी भी जाने वाले हैं, तो हम लोग उनके घर में आ गए हैं। तो जीजाजी कह रहे थे कि उनके बच्चे भी जाने वाले हैं, तो इसीलिए बाइक में नहीं गाड़ी में जाएंगे, मतलब कार में। तो दोस्तों हम लोग सब कार में निकल पड़ते हैं। और इधर से ना दोस्तों, मुझे कार में बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी आती है, मुझे कार में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं पहले की सीट में बैठी हूँ, वो भी शीशा खोल के, क्योंकि शीशा लगा हुआ होता है ना तो मैं तुरंत ही उल्टी कर देती हूँ और पीछे तो मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो दीदी और उनके दोस्त वो उनकी दोस्त की बीवी सब पीछे बैठ गए हैं और हम लोग आगे बैठे हैं। तो देखिए इधर का नज़ारा कितना ही सुंदर है, इतना ज़्यादा प्यारा नज़ारा है कि क्या ही बताऊँ, मतलब ये सब जगह देख के ना है लग रहा था कि इधर में रुक जाओ, कितना प्यारा सुंदर जगह है। और गर्मी के बारे में क्या ही बताऊँ दोस्तों, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मतलब कार में हम लोग जा रहे थे तो अच्छे ही लग रहा था, लेकिन जब कार स्पीड जाती है ना और अचानक से रुक जाती है तब तो तुरंत ही उल्टी उल्टी जैसा लग जाता है। तो मैं मतलब बाइक में ही जाना बहुत पसंद है मुझे, तो मुझे कार में बिल्कुल पसंद नहीं। और दोस्तों आप लोगों को किन किन लोगों को मतलब कार में जाने से उल्टी होता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो कार में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इधर से हम लोग जा ही रहे थे बीच में इतना मतलब प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर जगह लग रहा था। और ये जो मेरा दीदी का बेटी मेरे पास बैठी है ना, उससे भी उल्टी उल्टी लगती है, तो हम दोनों एक ही साथ बैठे हैं और उसका जी मचल रहा था इसलिए वो मेरे कंधे पर सर रख के थोड़ा देर सोने जैसा किया था, और मैं भी थोड़ी देर मतलब मोबाइल रख के सो गई थी जाते जाते, मतलब सो नहीं गई थी, अंदर से नहीं सोई थी लेकिन ऐसे ही मतलब सो रही थी, मतलब आँख बंद करके। तो इधर से देखिए कितना सुंदर प्यारा सा जगह है, इतना मतलब उधर से ट्रेन की ब्रिज है, इधर से लोग मतलब गाड़ी वगैरह आने जाने के लिए, ये नदी जो है ना इसे जियाडोल कहते हैं,
हमारे धमाचू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, तो जियाडोल कहते हैं शायद से, इतना मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इधर से देखिए कितना मतलब हम लोग जा ही रहे थे। और दोस्तों इतना लंबा मतलब इतना लॉन्ग है ना कि क्या ही बताओ, तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा इतना दूर मतलब अच्छा नहीं लगता कार में, अगर बाइक में होता ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता। और लेकिन ये भी और प्रतिदीप को मतलब इतना दूर लॉन्ग ड्राइव करने को प्रॉब्लम भी होता है, इसीलिए तो मैं कभी कभी प्रतिदीप को कहती हूँ कि मुझे भी बाइक चलाना सिखा दीजिएगा, तो कहीं जाने से आधा आप चलाइएगा आधा मैं चलाऊँगी ऐसे कहती हूँ मतलब। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक करते करते चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद देखिए इतना गर्मी है कि क्या ही बताऊँ, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया दोस्तों, इतना लॉन्ग जर्नी करके ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो क्या ही बताऊँ मैं मतलब। और मुझे ना कार में बहुत ही मतलब उल्टी आती है, मैं सोच रही थी बाइक में आऊँगी, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं ना इसीलिए कार में आए हैं, जीजाजी की कार में, और हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा, कार में तो हालत ख़राब ही होता है। तो दोस्तों हम लोग सब पैदल पैदल आ रहे हैं, गाड़ी को थोड़ी दूर में रुका के आए हैं क्योंकि इधर रुकने के लिए जगह ही नहीं है, और उधर पे थोड़ा छाव था, छाव में ही रुका के आए हैं जीजाजी, और थोड़ी दूर पैदल पैदल ही आए हैं, और इधर रुकने की भी जगह भी नहीं है दोनों किनारे में मंदिर के आसपास, मतलब सामान का दुकान है, पूजा की सामान की दुकान है, तो इधर से हम लोग आके एक दुकान में तीनों फैमिली घुस जाते हैं, घुस के एक ही जगह से हम लोग तीनों फैमिली मतलब सामान वगैरह ले लेते हैं पूजा करने के लिए। तो ये वाला थाली देखिए मेरा है, तो मैंने मुझे जो जो पसंद है मैंने ले ली है, वो लोग भी ले रहे हैं, और इधर मतलब मेरे पति देव का जो है ना पूरा फोन में बिजी है, उनका मतलब फोन ही आते रहता है, तो इधर से मैंने एक चुन्नी भी ले ली है माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो देवी माँ को मतलब जहीं कहीं भी जाइए मतलब अगर आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाते हो ना एक चुन्नी और सिंदूर वगैरह चढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि देवी माँ भी तो स्वागन होती है ना इसीलिए, तो देवी माँ को अगर चुन्नी सिंदूर वगैरह चढ़ाते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मैंने चुन्नी सिंदूर वगैरह ले ली है। तो इधर से मंदिर है देखिए, और बहुत बड़ा एरिया है देखिए कितना सुंदर है, तो इधर से हम लोग सामान वगैरह लेके आ जाते हैं पैर धोने के लिए, इतना दूर से आए हैं ना इसीलिए हम लोग इधर से यहाँ पे पैर धो लेते हैं, पैर वगैरह धो के और थोड़ा सा पानी वगैरह पूरा शरीर में छिड़क लेते हैं, तो इधर से और चारों किनार में मतलब इतना सुंदर यहाँ पे पुल है ना क्या ही बताऊँ मतलब। तो ये बच्चे भी देखिए गर्मी में इनका भी हालत खराब हो चुका है, और सही लग रहा ना मेरा तो क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, और मैं बहुत मतलब पहली बार आई हूँ इस मंदिर में, मेरे पति देव पहले भी आए थे और उनके फोटो वगैरह देख के मैं कहते रहती थी चलिए ना जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, तो के उन्हें शादी के बाद कहते कहते अभी फिलहाल 4 साल बाद मुझे लेके आए हैं, तो मुझे लेके आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि उनकी दोस्त का भी नया नया शादी हुआ है, इसीलिए मैंने ही कहा था कि आपका दोस्त को भी बोलिए अगर जाएगा तो हमारा साथ जा सकता है, तो उसके बाद फिर जीजाजी को कहा है, पहले हम दोनों के आने की प्लान था, फिर उनके दोस्त को कहा, फिर जीजाजी को कहा, तो हम लोग जीजाजी भी बोले कि हाँ तुम बोला और मैं नहीं जाऊँ ऐसा भी कोई बात हो, फिर जीजाजी भी हमारे साथ आ जाते हैं, तो हम दोनों आने की बात थी लेकिन हम तीन फैमिली आ जाते हैं फाइनली। तो आने के बाद यहाँ दिया धूप बत्ती वगैरह यहाँ पे जला लेते हैं, वहाँ मंदिर में जलाने की मतलब सुविधा नहीं है, यहाँ पे एक साइड में ही दिया वगैरह जलाने की एक घर बना दिया है, यहाँ पे सारे लोग दिया और धूप वगैरह जलाते हैं और पूजा करने के लिए
दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे जला लेते हैं सब। फिर धोने के बाद यहीं पे जला लेते हैं, जला के भगवान जी को प्रार्थना वगैरह करते हैं। करने के बाद फिर मंदिर का घंटी बजा के ऊपर देखिए उधर जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे है देवी माँ, तो हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। आने के बाद यहाँ पे देखिए ढेर सारे लोग थे और पंडित जी कह रहे थे कौन कौन पूजा करने वाले हैं, तो कौन कौन क्या क्या सामान लाए हो देवी माँ के लिए, इधर दे दो हमें, तो दे दो कह रहे थे। तो एक ही साथ सबका पूजा हो जाएगा, और मतलब ढेर सारे लोग आते रहते हैं, 10 जन 15 जन ऐसे एक साथ जितना हो सके पंडित जी पूजा कर देते हैं। तो देखिए हमारा दक्षिणा वगैरह और सामान वगैरह हम लोग यहाँ पे दे देते हैं पंडित जी को, उसके बाद पूजा वगैरह हो जाती है। वो सब हम लोग सब मतलब पूजा वगैरह कर रहे थे ना, इसीलिए उस टाइम वीडियो नहीं कर पाई थी। तो वो सब हो गया पूजा वगैरह करने के बाद, फिर रोली था यहाँ पे हम लोग यहाँ इस पे बांध देते हैं दोनों पति पत्नी मिलके। तो पता नहीं लोग ऐसे बांधते हैं या नहीं बांधते हैं, और यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ था इसीलिए मैंने कहा कि चलिए हम लोग यहाँ पे बांध देते हैं। तो हमारे मतलब मेरे मायके के वहाँ पे एक शिव मंदिर है, टिलिंगा मंदिर जो कहते हैं, तिनसुकिया में है, तो वहाँ में भी मतलब ऐसा रस्सी बांधा जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ में भी बांध दिए। तो इधर से हम लोग रस्सी बांध रहे थे, उधर जीजा जी और ये लोग भी पूजा करके आ गए हैं। हम लोग पहले आ गए थे और लोग फोटो वगैरह मारने में बिजी थे, व्यस्त थे, इसीलिए तो हम लोग तो पूजा में व्यस्त थे। पूजा हो गया था उसके बाद मतलब ऊपर का पूजा हो गया था, फिर हम लोग ये रस्सी वगैरह बांधने के लिए नीचे आ गए थे और लोग ऊपर में फोटो वगैरह मार रहे थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, तो वो लोग भी आके कह रहे कि चलो एक दो फोटो, फिर फोटो वगैरह खींच के मंदिर का चारों ओर थोड़ा घूमे है। यहाँ पे इतना शांति है कि क्या ही बताओ, और ढेर सारे लोग यहाँ पे आके अपने अपने मनोकामना कहते हैं भगवान जी को, और जब मनोकामना पूरा हो जाता है तो लोग आके यहाँ पे मतलब हाँस और एक कबूतर, कबूतर जो होता है ना कबूतर का जोड़ा हाँस वगैरह यहाँ पे देवी माँ को मतलब चराने के लिए लेके आते हैं। और इधर से देखिए मतलब मंदिर का चारों ओर इतना सुंदर मतलब कौन है ना क्या ही बताऊँ, मतलब जो पगार पोखरी होता है वही इतना सुंदर है ना क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा है जो हम लोग पोंड कहते हैं। तो दोस्तों इधर से देखिए और भी लोग आए थे पूजा करने के लिए, तो ये लोग बैठ के प्रसाद खा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ बैठ के थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं भी इन लोगों के साथ बैठ के प्रसाद वगैरह खा लेती हूँ। और ये लोग कहाँ से आए क्या ऐसे ही मतलब हम लोग कहाँ से आए वो लोग कहाँ से आए, ये सभी बातें हो रही थी हमारी बीच। और बाकी के हमारे जो लोग थे ना वो लोग अपने अपने फोटो खींचने में व्यस्त थे। फिर हम लोग पूजा वगैरह कर ली थी, करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद गेट के सामने भी एक दो फोटो की क्लिक कर ली थी। ये मंदिर देखिए, फिर ये जो बकरी है ना ये हमारे पीछे पीछे आ रहा था, तो दीदी कह रही थी कि इसे एक केला दे दो, तो मैंने इसे केला दिया था लेकिन ये खा ही नहीं पा रहा था, फिर मैंने हाथ में पकड़ के इसे खिला दी। खिलाने के बाद मंदिर के पास मतलब एक भाई जो है ना नारियल बिक्री कर रहा था, तो हम सब मतलब हमें भूख भी लगा था और यह खाने जैसा कुछ अच्छा चीज था नहीं, और मुझे मैं मतलब चेन्नई जब गई थी ना तब ये खाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कही कि भाई मुझे एक मलाई वाला दे दो, मैंने खा ली है। खाने के बाद हम सब खा ले, खाने के बाद बहुत दूर इधर आके देखिए एक जगह पे रुकी थी, रुकने के बाद इतना प्यारा इतना सुंदर जगह है ना क्या ही बताऊं, गर्मी के दिन में तो यहाँ बहुत ही मजा आने वाला है देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नए दिन में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए तंदुरुस्त रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हो उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया हो वो कर दीजिएगा, और सबको राम राम।